30th question. Discussion continues further with new concept. We have done resistance. Today we are going to continue our discussion further, and we are going to do some constants today, along with a few more 12th standard concepts. Few more 12th standard concepts. Hold on. Let me take the next one. Let me see what we have next now. Anything new I find, I will definitely take. Capacitance. Okay. Sixth, next one is capacitance. Capacitance. Again, as usual, I told you. That is, we shall be doing lots of concepts in 12th standard, but formula we have to do now. So, capacitance is given by C. Capacitance is given by C. Formula is Q is equal to C by V. So, Q by V is C. Okay. So, formula is, पहले ये नॉर्मल फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला है सीवी, चार्ज का फॉर्मूला है सीवी, हमको सी चाहिए तो क्यू बाई वी, हमको सी चाहिए तो क्यू बाई वी. चार्ज प्रीवियस सेशंस में हमने देखा है, चार्ज का फॉर्मूला इज 80 A1 T1, एंड वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने तो बोला था वोल्टेज बाय हार्ट कर लो, है ना. तो ये है M1 L square T minus 3, चार्ज नहीं एम्पियर है ना, करंट A-1, ये फॉर्मूला है. अच्छा रहेगा वोल्टेज तो बाय हार्ट कर लेगा, हालांकि मैं तो बाय हार्ट नहीं किया, वो बात अलग है, बट तुझे बाय हार्ट करना चाहिए. ओके, नहीं तो टाइम वेस्ट बहुत होगा कॉम्पिटेटिव में. मैं नॉर्मली डिराइव करता हूँ, मेरे को थोड़ी सी कॉम्पिटिशन में भाग लिया, बट नॉर्मली मैं डिराइव करता हूँ. तू डेरिवेशन में टाइम वेस्ट मत करना, तू कर लेना. वोल्टेज कैसा आया, जस्ट एक फ्लैशबैक करे. वोल्टेज आया, हाँ वोल्टेज आया, वोल्टेज कैसे आया, वोल्टेज आया फॉर्मूला से वर्क डन टू मूव द चार्ज, है ना. वर्क डन क्या था, M1 L square T minus 2, एंड चार्ज इज 80. तो इधर आया था M1 L square T minus 3 A minus 1, क्योंकि ये दोनों ऊपर गया. सो इस तरह लाइक दिस वे वी हैड गॉट वोल्टेज. वोल्टेज बोथ आर सेम. एनीवेज, माय डिस्कशन कंटिन्यूज आगे. दिस इज नॉट नीडेड, दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशंस, जस्ट टू गिव अ फ्लैशबैक. हाँ, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, M-1 ये ऊपर जाएगा, L-2 ये भी ऊपर जाएगा, T-4 आ रहा है, और A ऊपर जाएगा, A2 आ रहा है. ये कैपेसिटेंस है बच्चा, मैच कर, तेरे को भी यही आ रहा है क्या, देख फिर मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, इधर तक सबको ठीक है. एंड बाय द वे कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट भी दे देता था मैं, बाय द वे कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट मैं दे देता हूं तुझे. कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट इज फैरेड. कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट इज फैरेड. ओके, जस्ट याद रखना, बार बार आएगा फ्यूचर में, बार बार आएगा, तो याद रखना जरूरी है. सो ये था कैपेसिटेंस के ऊपर. हम एक और लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड बी. अच्छा एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्टूल लेंगे बैठने के लिए, बराबर होगा, नहीं तो बेंड बराबर नहीं होता है, फिर अक्षर आगे पीछे आते हैं. ओके, सी मैग्नेटिक फील्ड बी, फॉर्मूला क्या है, ये तू पढ़ता है 10th में, मैंने पढ़ाया था 10th के बच्चों को लास्ट ईयर भी. ये फॉर्मूला, फोर्स इज गिवन बाय बी क्यू वी साइन थीटा. ओके, जिसको मालूम नहीं तुझे ये याद रखना पड़ेगा. ये फॉर्मूला आएगा एक बार तू कॉलेज एंटर किया, नॉर्मली स्कूल में तो मैं पढ़ाया है, 10th के बच्चों को मैं पढ़ा था वो हर साल, बट अभी 11th के बच्चों जो मेरे साथ 10th नहीं पढ़े हैं, उनको ये 12th में आएगा. F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, ये क्या मैग्नेटिक फोर्स है, जस्ट फॉर एक्स. सारा सर बच्चा सब कुछ रिपीट होने वाला है, सब कुछ एज इट इज, अनंत बार. तो तू अच्छा रहेगा ये सारी चीजें याद रख. ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स, जस्ट याद रखना मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला. ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना. बी इज मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट मैं डिटेल में लिख रहा हूं ताकि तू याद रखे, इंटेंशन है कि तू याद रखे.
11, 12 एक ही झगड़ा है, पूरा 11, 12 में एक ही झगड़ा होता है, एंड द होल फाइट इज फॉर रिमेम्बरिंग 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 बिकॉज वास्टनेस इज गोइंग टू किल यू. क्यू मतलब चार्ज, वी यानी वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. छोड़ दे साइन थीटा, मैं लिख रहा हूं. Somebody asked me last year, सर साइन थीटा का डायमेंशन क्या है? नो डायमेंशन. साइन थीटा का डायमेंशन मत लिख. ओके, साइन थीटा का डायमेंशन मत लिख. अच्छा, ये सारी चीजें ट्वेल्थ में बहुत बार आएगी, पूरा ट्वेल्थ यही करते रहेंगे. मैग्नेटिक फील्ड बी 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 कितनी बार आएगा? ओके, सो एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा. हमको डायमेंशन किसका चाहिए? हमको डायमेंशन बी का चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर बी का चाहिए, इफ वी वॉन्ट बी, तो क्यू और वी को नीचे लेके आ, तो फोर्स अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू क्यू लिया, वी क्यू लिखने का था, बाई मिस्टेक बी लिखा, वी क्यू लिखने का था, इधर आया साइन थीटा. करेक्ट बच्चा? करेक्ट करेक्ट. एफ इज इक्वल टू वी क्यू साइन थीटा क्यू, मेरा भी ध्यान गया, बी लिखना है, क्यू लिख रहा साइन थीटा. अभी जस्ट बोला साइन थीटा को इग्नोर कर. वाई इग्नोर कर बच्चा? वाई इग्नोर कर क्योंकि साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं रहता है. साइन थीटा का कोई डायमेंशन रूल है, जो जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर करना पड़ेगा. हाँ, लाइक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हमको मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ को नहीं लेने का. कभी भी डायमेंशन में हम ऐसे नंबर कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, कभी भी डायमेंशन में हम नंबर के कांस्टेंट को नहीं लेते हैं. खैर ठीक है, वॉट एवर इट इज. फोर्स, यू नो फोर्स, यू हैव टू बाय हार्ट इट. एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एल वन टी माइनस वन. चार्ज, जस्ट नाउ वी डिड, चार्ज इज एटी, तो क्या मिलेगा? एम वन एल स्क्वायर, एल वन गया तो एल जीरो आया. टी वन है माइनस टू है, इधर माइनस वन है, ये ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो ये माइनस वन बचेगा. और इधर भी है ना टी, मैं देखा ही नहीं, रुक जा, इधर का भी टी है. ये प्लस वन माइनस वन टी गया, बचा टी रेस्ट माइनस टू, और इधर एम्पियर आया ए रेस्ट माइनस वन. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन. कोई मेरे को हर बार पूछता है क्या मैग्नेटिक फील्ड बाय हार्ट करो? मेरे हिसाब से बाय हार्ट नहीं किया तो चलेगा, मैं डिराइव करता हूं. तो बाय हार्ट किया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या होता है उस बाय हार्ट करने के प्रोसेस में कंफ्यूजन करके रॉन्ग मत करना, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बाय हार्ट करने के लिए मना करता हूं. बट बाय हार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर एग्जाम में याद करते वक्त वाइल रिकॉलिंग यू शुड नॉट फॉरगेट इट. इफ यू फॉरगेट देन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इफ यू फॉरगेट देन इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम. इसीलिए मैं बता रहा हूं, मैं तो डिराइव करता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखना डिफिकल्ट होती, बट पोटेंशियल तो याद करना ही पड़ेगा. पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, फोर्स, ये बेसिक तुझे बाय हार्ट करने ही पड़ेंगे, ये तुझे हो जाएगा आदत. और इजी है, प्रॉब्लम क्या है कि ये इजी है. हाँ, प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, इजी है करके, बट ये थोड़ा सा ये माइनस जीरो वन या ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है याद रखने के लिए. बट खैर ठीक है, क्या मैंने एक बार करेक्ट करेक्ट किया बच्चा? तुझे भी यही आएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन. हाँ बच्चा ठीक है, हमने ये डिराइव किया, ठीक है आगे जाए. बोर्ड रब करो, कॉपी हुआ बच्चा, ये सारी चीज है. अब हम 32 करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला के लिए फोर्स का फॉर्मूला बाय हार्ट करना. मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला के लिए फोर्स का फॉर्मूला बाय हार्ट करना. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू बी क्यू ही साइन थीटा. लास्ट ईयर एक बच्चा पूछा, सर बचपन में तो बोला गया था नाइन्थ स्टैंडर्ड में एफ इज इक्वल टू मा गधे, ये फोर्स नॉर्मल, ये फोर्स अलग, ये बचपन वाला सादा फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स. हाँ, इनफैक्ट कितने फॉर्मूला आएंगे, और एक आएगा फोर्स का फॉर्मूला इज एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर. क्या क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा. दुनिया के अलग अलग फोर्स के फॉर्मूला आएंगे. एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा आएगा, बी आई एल साइन थीटा आएगा. बहुत सर, कौन सा फॉर्मूला किधर डालने का, वही तो तेरा बुद्धि है, इसीलिए तो रिवीजन चलते रहने चाहिए, इसीलिए तो रिवीजन चलते रहने चाहिए, है ना, इसीलिए तो टाइम स्पेंडिंग ज्यादा है, इसीलिए 11 12th को इजी नहीं लेता. चलो अब हम आगे जाते हैं, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32.
ये था मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटेंस। डिस्कशन को 32 याद रखूंगा मैं भी, 32। डिस्कशन कंटिन्यूज अहेड विथ 32। हम लेते हैं, बस हो गया लगता है मेरे को हिसाब से, बस होता है। एक ले लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेता हूं मैं, बाद में कॉन्स्टेंट्स ले लेते सारे, बट लेवल टफ होगा। कराओ के नहीं सोच रहा हूं, थ्योरी के बच्चों के लिए, या वो कॉम्पिटिटिव में लेने का सोच रहा था, कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए कराएंगे तो एक दो ट्राई करेंगे, देखेंगे तेरे लेवल पे क्या लेता है। एक बात तो बोल उससे पहले, जितने भी मैंने डायमेंशन किए उसके फॉर्मूला तुझे याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूला और SI यूनिट 30-30 डायमेंशन किए, इसके सारे डायमेंशन के फॉर्मूला और यूनिट तुझे याद रहने चाहिए। किसी का कुछ भी मिस हुआ होगा तो मैंने बोला है वीडियोज ऑलवेज अवेलेबल है, तुम पहले की वीडियोज देखो, रिविजन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डाउट मत रखना, वास्टनेस बड़ा होते जाने वाला है, वास्टनेस बड़ा होते जाने वाला है। हाँ, एक आधा ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे। ओके, जब हम 12th में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंबल फाई है। फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ओके, जस्ट देखो जीवन आसान बनाओ, जस्ट मैं तेरे को जीवन आसान बनाता हूं। ओके, कोई बात नहीं, तुझे टफ लगता होगा तो कोई बात नहीं, तुझे सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे जैसे मैं ये पांचवी बार या छठी बार बोल रहा हूं, जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तब कॉन्सेप्ट आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम 12th के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्या पूरे साल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ेगा? जिंदगी में फर्स्ट ईयर में नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा, ये सारे सेकेंड ईयर के हैं। बट कराना है, कराना जरूरी है, नहीं तो मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो मेरे को आगे गाड़ी आगे लेके जाना है कॉम्पिटिटिव का, तो मेरे को ये कराना जरूरी है, नहीं तो मेरा डिस्कशन आगे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिमाग से निकाल दे क्या सर ये सब कराते हो, नहीं तो मेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसको सिखाए बिना व्हीकल कैन नॉट गो अहेड। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव में तो मैं और 20 नए लूंगा, जब मैं कॉम्पिटिटिव के क्लासेस अलग से स्टार्ट करूंगा तो और एक्स्ट्रा 20 लूंगा इसको छोड़ के। बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, वेन्स कॉन्स्टेंट, परमियाबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, फिर अर्क है, जैसे रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, फिर आएगा वेवलेंथ, तो हमने हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी, इनफैक्ट थर्मल कंडक्टिविटी अभी मैं ले लूंगा, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ले लूंगा मैं। एनीवेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम करते हैं, फॉर्मूला तुझे दे देते हैं। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू EQ, ये फॉर्मूला है। अगर तुझे पता नहीं है तो तू बाय हार्ट कर ले। फोर्स का फॉर्मूला है EQ। तेरे मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, क्या क्या बोला सर, सर बोला F इज इक्वल टू MA, सर बोला F इज इक्वल टू EQ, सर बोला F इज इक्वल टू -KX, सर बोला F इज इक्वल टू, हाँ, F इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2R2, सर बोला F इज इक्वल टू mv2r, सर बोला mω2r, नेक्स्ट F इज इक्वल टू dIL sin θ, नेक्स्ट एक और ऐसा कॉमन डालता हूं, नेक्स्ट F इज इक्वल टू dQv sin θ। ये F के नाम पे क्या क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लेगा तो F इज इक्वल टू gm1m2r2, मतलब फोर्स के नाम पे क्या क्या है, क्या क्या है, समझ रहे तुम मेरा पॉइंट, फोर्स के नाम पे क्या क्या है। बट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको खेलना है। आई रिपीट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमको खेलना पड़ता है। सही समय आने पर सही चीजें बताई जाएगी तुझे, सही समय आने पर सारी चीजें बताई जाएगी कि कब कौन सा कब क्या यूज करना है। बट सारे फॉर्मूला आने वाले, मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। ओके, तो खैर, अब हम बात कर रहे थे F इज इक्वल टू EQ के बारे में, वेर E रेफर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे, जब जब समय आएगा, वो चैप्टर आएगा, तब तब लूंगा मैं।
अब हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्कशन आगे लेके जाते हैं और हम कर रहे हैं F is equal to EQ में, where E is electric field, where E is electric field। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन ये चार्ज का यूनिट कूलम है ना। तो मैं इधर एक बार लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज। अच्छा, फोर्स यानी मैं इधर एसआई यूनिट लिख लेता हूं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स का यूनिट न्यूटन। बच्चा मैं रिपीट करता हूं स्लोली बच्चा, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, चार्ज का यूनिट इज कूलम। तो हमको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन, ब्रैकेट में मत डाल, ये तो फिर डायमेंशन जैसा हो जाएगा, लेट्स नॉट पुट इट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। हाँ, हर एक का फिजिकल मीनिंग भी बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, जब हम सिलेबस में आगे जाएंगे तो एकदम फिर पूरा साल फिजिक्स में तो सिर्फ फील ही उठाएगा। मैं तो ये स्टार्टिंग से बोला हूं, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा। ओके, तो एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, मैं ये ऐसा ही रख देता हूं। हमको डायमेंशन चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इज गिवन बाय फोर्स एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड चार्ज का डायमेंशन इज गिवन बाय एटी। मैंने ये भी बोला था, अच्छा रहेगा कि तू बाय हार्ट कर ले कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का एटी। ओके, कैसे आया एटी, और एक बार फ्लैशबैक कराता हूं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इधर गया, तो आई टी इज इक्वल टू क्यू आया, आई यानी एम्पियर, टी यानी टाइम, इस तरह से हमारा एटी आया था। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक कराया, तुझे याद तो रखना ही पड़ेगा। डिस्कशन कंटिन्यूज बच्चा आगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। ओके, तो अब हम फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स फाय, कैसे बोला इसको, फाय, दूसरी बार तीसरी बार बोलू, फाय ऐसा सिंबल है, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ओके, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्लक्स, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अब नहीं देखेंगे। हाँ, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्लक्स, हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई डॉट ए, डॉट ही डालने का क्यों, उसके लिए हर कुछ मीनिंग है, ये सारी चीजें वेक्टर के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए मैं डे वन से बता रहा हूं, कि पूरा का पूरा फिजिक्स तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दैट इज कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर। विदाउट डूइंग दिस थ्री थिंग्स यू कैन नॉट डू फिजिक्स, दिस इज बाय डिफॉल्ट यू शुड नो ओनली, ओके। सो फ्लक्स इज गिवन बाय ई ए, जस्ट नाउ आई फाउंड आउट ई, व्हाट डिड आई गेट ई, एम वन, आई जस्ट सिट डाउन, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ए माइनस वन ब्रैकेट एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज मीटर, मीटर इज लेंथ, एरिया इज मीटर, मीटर इज लेंथ। सो व्हाट डिड आई गेट फ्लक्स का डायमेंशन, एम वन एल फोर, अरे बाप रे, टी रेस टू माइनस थ्री ए रेस टू माइनस वन। एक बार जस्ट ओवरव्यू, हमने हमारी दिशा ऑफ गाड़ी सही लेके गए हैं कि गलत लेके गए, वो एक बार ग्लैंस ले रहा हूं, हालांकि मुझे इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल नहीं रहा है, इधर था नहीं, खैर ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो दिख नहीं रहा है बच्चा, खैर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मैंने एक बार जस्ट ओवरव्यू कर ले, रॉन्ग तो नहीं है, मिस्टेक एक बार देख रहे, सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब एल वन आना चाहिए था, है ना, देख मुझे अभी लगा, देख मास इंटू एक्सेलरेशन एल वन आना चाहिए था, फोर्स के लिए एल वन आना चाहिए था, देख कैसा सिली मिस्टेक होता है, है ना, इसलिए एल फोर नॉर्मली मैं देखा नहीं था, मुझे लगा ही कि कुछ तो जरा चूक रहा है, इधर एल वन करेक्ट, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई चार्ज एटी, एम वन एल वन ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ये तो सही है। ओके, एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर, अब ठीक है, क्योंकि मैं जरा चौक है, अब तक कितनी बार किया ना,
थोड़ा सा ब्रेन बोल देता है करके नॉर्मली L4 तो देखा नहीं रहता है, L3 तक देखा रहता है। बोल बच्चा क्या आप करेक्ट है, हालांकि बुक में तो नहीं है, मेरे को मिल नहीं रहा था, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है बुक में है या नहीं है, कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। बोल बच्चा तेरे मन में इधर तक कोई डाउट लगता है तो फिर मैं एक और करता हूं, वो है 33rd कंडक्टिविटी। ये 11th का ही है, ये जो कंडक्टिविटी करूंगा वो 11th स्टैंडर्ड का ही है। ओके, सब सबका कॉपी हुआ, सबको कॉन्सेप्ट अच्छे से गया? बोल बच्चा सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से गया है ना? ये सारी चीजें सिलेबस का ही है। मैं रिपीट करना चाहता हूं बच्चा इधर तेरे लिए कि ये सारा का सारा चीज, वॉट एवर आई एम राइटिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, हाँ, लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन अहेड विद क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी के। एक और दो तीन करूंगा फिर मैं इस यूनिट्स एंड डायमेंशन को मैं छोड़ दूंगा, और यूनिट्स एंड डायमेंशन छोड़ के हम आगे जाएंगे। ओके, लेट मी रब दी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय के, थर्मल 33। ओके, ये फॉर्मूला क्या था मैं लिखता हूं पहले। हीट इज गिवन बाय के ए टी टू माइनस टी वन बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी। थर्मल कंडक्ट छोटा के लिख लेता हूं, बड़ा के छोटा के चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा के छोटा के। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला के है। अब ये के का फॉर्मूला किसमें आता है, क्यू इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन टी बाय एक्स। मैं थोड़ा सा फील आने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। ये था नीट 2019 का क्वेश्चन फॉर फोर मार्क्स, मुझे याद है 19 के क्वेश्चन में यही आता, राइट दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के, और तुझे एक मिनट में करना है, ये